नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल शान पंजाबी और मैं हूं एमी। बॉलीवुड बॉलीवुड की चटपटी खबरों में एक और अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी पर बनने जा रही है बायोपिक। जहां कश्मीर में आजकल अनुच्छेद 370 हटने के बाद सरगर्मियों के बीच चल रहा है सब कुछ, वहीं इस रियासत की आखिरी रानी के ऊपर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया गया है। कश्मीर में मुगलों के आक्रमण का आखिरी दम तक मुकाबला करने वाली कोटा रानी पर बनने जा रही है यह फिल्म। इस मशहूर किरदार की सुंदरता से लेकर इनकी वीरता तक की गाथा बड़े पर्दे पर उतरने जा रही है। कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी के रूप में मान्यता प्राप्त कोटा रानी का जीवन बहुत ही नाटकीय और रोमांच से भरा हुआ था। कोटा रानी की कहानी जम्मू और कश्मीर के लोक गाथाओं और लोकगीतों में बहुत खूब सुनी जाती है। 13वीं सदी में कोटा रानी ने राज किया और उन्हीं को हराकर शामीर ने कश्मीर पर कब्जा किया था। भारतीय दर्शन शास्त्र और शैव धर्म के अनुयायी रही इस रियासत पर कोटा रानी ने अपनी खूबसूरती, अपने मजबूत प्रशासन और अपनी सैन्य रणनीति के बूते बरसों तक राज किया। कोटा रानी की कहानी देखने के लिए बहुत से लोग उत्सुक भी हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को उनकी कहानी के बारे में मालूम ही नहीं। अगर इस फिल्म की बात की जाए, इस फिल्म को बनाने का ऐलान सोमवार को रिलायंस एंटरटेनमेंट और फैंटम फिल्म्स ने संयुक्त रूप से किया है। इस बारे में रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप CEO शिवाशीष सरकार कहते हैं, कोटा रानी पर फिल्म बनाने का हमारा मुख्य मकसद है उनकी शौर्य गाथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। उनके किरदार में तमाम तरह के गुण दिखते हैं और वह हमारे देश की चंद महान महिला हस्तियों में से एक हैं। कोटा रानी के बारे में देश के बहुत कम लोगों को पता है और हमारा प्रयास होगा कि उनकी इस कहानी को हम बड़े पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ प्रस्तुत करें। वहीं फिल्म के सह निर्माता मधु मंटेना ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोटा रानी की कहानी किसी मायने में किलियो पेटा की कहानी से कम नहीं है। कश्मीर में जो कुछ आजकल हो रहा है उसका सीधा संबंध किसी न किसी तरह से कोटा रानी के राज से जुड़ता है। उन्होंने इतना तक कहा कि वह भारत की धरती पर हुई चुनिंदा वीरांगनियों में से एक हैं। ये थी कोटा रानी की फिल्म की कहानी की बात। मैं आऊंगा फिर से लेकर कोई नया अपडेट। आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी। ओ जल्दी तो जल्दी चैनल नु सब्सक्राइब कर लो ताकि थानू वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहन ते बेल आइकन नु प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी, माण पंजाब दा।